प्राई कड़ाके की ठंड से जुड़ी। ठंड का प्रकोप भारत से अमेरिका तक फैल गया। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक कोल्ड डे हो सकता है। कोल्ड डे यानी दिन में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी। तो वहीं अमेरिका में भी बर्फीला तूफान आ गया। वहां के पूर्वोत्तर इलाके में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से हालात खतरनाक हो गए। वहां अलर्ट जारी कर दिया गया और सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में बर्फीला तूफान आया। वहां के मैसाचुसेट्स के कई इलाकों में तो सड़कें बर्फ से ढक गई। अमेरिका में ऐसे हालात 2 दिन की बर्फबारी के बाद हुए और आने वाले दिनों में वहां ठंड और खतरनाक हो सकती है क्योंकि केवल 2 दिन की बर्फबारी ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स को सफेद कर दिया, या यूं कहें कि बर्फ के अलावा वहां कुछ दिखा ही नहीं दिया। हर जगह बर्फ की मोटी चादर जम गई। गाड़ियों पर तो इतनी मोटी बर्फ जमी कि वो गाड़ियां नहीं बल्कि बर्फ के डिब्बों की तरह लगने लगी। पेड़ों की हरी पत्तियां भी सफेद हो गई। सड़कों और मकानों का भी यही हाल हुआ। सड़कों पर तो इतनी बर्फ जम गई कि मशीनों को काम पर लगाना पड़ा। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में लगातार बर्फ पड़ रही है। मैसाचुसेट्स उसी इलाके में, वहां की ये तस्वीरें जिस समय ली गई वहां बर्फ पड़ रही थी और बर्फ हटाने की मशीनें काम कर रही थी। लेकिन बर्फबारी रुकी नहीं, इसलिए थोड़ी ही देर बाद सड़कें एक बार फिर काली से सफेद हो गईं। लेकिन प्रशासन लगातार काम करता रहा क्योंकि एक बार सड़कों से बर्फ हटाने का काम रुक जाता तो गाड़ियों के पहिए थम जाते और लोग जगह जगह फंसे रह जाते। क्योंकि अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर अमेरिका में बर्फ पड़ती रही। केवल 48 घंटों में मैसाचुसेट्स में 12 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फ को हटाने के लिए रात में ही काम शुरू हो गया। आसमान से बर्फ गिरती रही और मशीनें काम पर लगी रही। केवल मशीनें ही नहीं बल्कि कर्मचारी भी बर्फ हटाने के काम में जुटे और मशीन की मदद से बर्फ हटाई। इसे देखकर ऐसा लगा कि पानी नहीं बल्कि बर्फ का फव्वारा छूटा हो। मशीनें कम पड़ गईं तो लोगों ने फावड़े की मदद से सड़कें साफ करनी शुरू कर दी। यानी मैसाचुसेट्स में इतनी बर्फ गिरी कि इंसानों और मशीनों दोनों को काम पर लगना पड़ा और दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में लोग जुटे रहे। गाड़ियों की छतों पर जमी बर्फ हटाने का काम भी तेज कर दिया गया क्योंकि बर्फ की परत मोटी होने के बाद गाड़ियों को निकालना मुश्किल हो जाता और इसीलिए जिन लोगों की गाड़ी पर बर्फ जमी थी वो गाड़ी साफ करने वाले ब्रश से बर्फ साफ करने लगे। लगातार बर्फबारी के बीच गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा और दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलती नजर आईं। मैसाचुसेट्स में बर्फबारी की वजह से रिहायशी इलाकों में परेशानी बढ़ गई, इसलिए प्रशासन के साथ आम लोग भी बर्फ साफ करने में लग गए क्योंकि अगर बर्फ सड़क पर जम गई तो फिर रास्ते जैम हो सकते हैं। इसीलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार चलता रहा। लोग भी घरों में दुबके रहे और जो लोग नजर आए वो काम पर लगे थे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका में बर्फीला तूफान आ सकता है। इतनी बर्फ पड़ सकती है कि लोग जम जाएं, यानी हालात डरावने होने वाले हैं क्योंकि अमेरिका पर आसमान से सफेद आफत गिर रही है जो ठंड में पूर्वोत्तर अमेरिका को जमा सकती है और इसीलिए प्रशासन ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। मैसाचुसेट्स में तो बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई। इससे करीब 13,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि अमेरिका के एक बड़े हिस्से में बर्फ पड़ने लगी और धीरे धीरे इस बर्फीले तूफान का असर अमेरिका के एक बड़े हिस्से में हो सकता है। इसकी वजह से अमेरिका के बोस्टन, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, मौसम में आए इस भयंकर बदलाव की वजह से वहां 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रेल सेवा भी प्रभावित हुई और बोस्टन जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। यानी नए साल की शुरुआत में अमेरिका पर सर्दी ने हमला कर दिया और यूरोप के बाद अमेरिका पर भी ठंड का हमला हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में इतनी ठंड पड़ रही है कि वो जम जाए। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में तो पारा -40 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है और अब अमेरिका भी बर्फीले तूफान के साए में क्योंकि वहां 2 दिन से लगातार बर्फ पड़ रही है। और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन अमेरिका के कई शहरों पर भारी पड़ सकते हैं। केवल अमेरिका और यूरोप ही नहीं, ठंड के कहर से भारत भी कांप रहा है क्योंकि उत्तर भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कई दिनों से लोगों को सूरज के ठीक से दर्शन तक नहीं हुए। दिल्ली में तो सुबह से कोहरा छा गया और शाम तक नहीं छटा। रही से कसर शीतलहर ने पूरी कर दी और लोगों की जान सांसत में डाल दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में उत्तर भारत में भयंकर शीतलहर चलेगी और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड जस की तस बनी रहेगी और कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुश्किल तो यह है कि इन राज्यों में अधिकतम तापमान भी नहीं बढ़ रहा, यानी दिन भी रात जैसे ही ठंडे हैं।
सबसे डरावनी बात तो ये कि राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश भी हो सकती है, यानी कोहरे और शीतलहर के बाद बारिश भी होगी और लोगों की मुसीबत दुगनी हो सकती है। खराब मौसम का अनुमान केवल उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी है, क्योंकि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। तमिलनाडु के कई शहरों में तो रात में ही बारिश शुरू भी हो गई और जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें आई। वहां के कडलूर, मयिलादुथुरई और विलुपुरम जैसे शहरों में मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ और पानी बरसा। ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि अनुमान है कि तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश हो सकती है। यानी दुनिया के एक बड़े हिस्से में ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बर्फ पड़ी तो भारत में तो बारिश, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक हुआ। उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवाओं से हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने 6 राज्यों में कोल्ड डे की चेतावनी दी। इन 6 राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक कोल्ड डे रह सकता है, यानी ऐसा दिन जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहे और अधिकतम तापमान मौसम के सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे चला जाए। यानी ऐसी ठंड पड़ेगी जब ठिठुरन से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा।